नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन 2 मिनट 10 बड़ी खबरों में। देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने दिए सही तरीके से मास्क नहीं पहनने वालों की गिरफ्तारी के आदेश। राष्ट्रपति रोड्रिगो ने कहा, ये मेरे लिए नहीं, हमारे लिए, हमारे देश की भलाई के लिए है, ताकि आप न संक्रमित करें न संक्रमित हों। 5G टेस्टिंग के कारण होने वाली मौतों को COVID-19 का नाम देने का दावा फर्जी। सरकार ने उस ऑडियो मैसेज के दावे को फर्जी बताया है, जिसमें कहा गया था कि राज्यों में 5G नेटवर्क की टेस्टिंग के कारण लोगों की मौत हो रही है और इसे नाम दिया जा रहा है COVID-19 का। यदि हम IPL 2021 पूरा नहीं कर पाते हैं तो करीब 2,500 करोड़ रुपए का होगा नुकसान। BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दी जानकारी। उन्होंने कहा, हमें अन्य बोर्डों से बात करनी होगी और देखना होगा कि क्या T20 विश्व कप से पहले कोई विंडो उपलब्ध हो सकती है। चीन का कार्बन उत्सर्जन अन्य विकसित देशों के कुल उत्सर्जन से अधिक। अनुमान है कि चीन का कार्बन उत्सर्जन 1.7% बढ़ा है। इस मामले में अमेरिका दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्वयंभू धर्मगुरु पर लगा आश्रम में 4 महिलाओं से रेप का आरोप। पुलिस ने कहा, उनके साथ ऐसा तब होता था जब वे तपस्वी आश्रम में सत्संग के लिए जाती थी। बतौर SHO नहीं हुई है अब तक कोई गिरफ्तारी। 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गिर रहा है चीनी रॉकेट का मलबा। पृथ्वी पर गिरने की आशंका। अधिकारियों के अनुसार ये मलबा कहां गिरेगा या सटीकता से बताना लगभग असंभव है, लेकिन इसके समुद्र में गिरने की आशंका अधिक। रोज 700 टन ऑक्सीजन मिले तो किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं होने देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के रोज मिलते मामले चिंता का विषय है। अपनी शादी में COVID-19 नियमों का उल्लंघन करने को लेकर कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा के खिलाफ केस हुआ दर्ज। पंजाब के फगवाड़ा में पिछले हफ्ते हुई थी शादी। समारोह में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों का वायरल हुआ था वीडियो। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन COVID-19 पर नियंत्रण का एकमात्र उपाय बचा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया मुद्दा। उन्होंने कहा, एक साल से अधिक समय से हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी काम के अत्यधिक दबाव में डटे हुए हैं। हमने उनमें से कई को खो दिया। 21 करोड़ के 7 किलो से अधिक रेडियो एक्टिव यूरेनियम के साथ महाराष्ट्र में 2 लोग हुए गिरफ्तार। बार्क द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार ये पदार्थ अत्यधिक रेडियो एक्टिव और मानव जीवन के लिए खतरनाक है। दोनों आरोपी इस यूरेनियम को बेचने के लिए खरीदार ढूंढ रहे थे। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपको ये खबरें पसंद आई हों तो शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।